मैं पहली बार चला रहा हूँ ये, चला नहीं, धोखा हो गया, सरफराज धोखा दे गया आज, चंगी कर रहा है ये। फोटो सेशन अच्छा हो सकता है ना, ऐसे वाला सिस्टम हो। कृपया घर में ट्राई ना करें। तो फ्रेंड्स आज इनकी टेस्टिंग करने वाले हैं। ये है क्या चीज़ मैं आपको बता दूं, ठीक है, शादी में ये भी यूज़ होते हैं, इसमें क्या डिफरेंस है और इसमें क्या डिफरेंस है ये बता देता हूँ। ये वाले जो है ये स्पार्कल छोड़ते हैं, जैसे अनार चलता है वैसे, ये वाले छोड़ते हैं कलर। पहले वन बाय वन मैं दोनों टेस्ट करके बताता हूँ ये चलते कैसे, ये भी बता देता हूँ। ये बैटरी है, ठीक है, जिसमें मैंने लेफ्ट और राइट का होता है ये जोड़े हुए हैं, ये तीन चार तारे आपस में जोड़ के इसको लंबा किया हुआ और कुछ नहीं किया हुआ है, साथ में बटन लगाया हुआ ताकि अपने कंट्रोल में रहे, ऐसे लगाऊंगा तो तुरंत चल जाएगी। सबसे पहले मैं आपको ना ये कलर वाला चला के दिखा देता हूँ, देखने में कुछ ऐसा रहता है। इसकी एक एक कॉस्ट मुझे पता नहीं है, पर ये वाला पूरा बॉक्स आपको 2,000-2,500 के बीच में पड़ता है, जिसमें 10-12 होते हैं, बल्कि ओवरऑल देखा जाए तो ये 50-60 रुपये के या 100 रुपये के आसपास एक मिलता है, ठीक है। अगर हिसाब लगाए अगर 2,000 का एक हुआ उसमें 10 हुए तो 200 रुपये के आसपास, 200-150 रुपये के बीच में ये एक मिलता है, ठीक है, एग्जैक्ट। तो अभी मैं पहले कलर वाला चला के दिखाता हूँ, वैसे मैंने कलर वाले की पहले टेस्टिंग की हुई है, ये कलर वाला चला के दिखाता हूँ। और ये सेफली होता है, ये हाथ पैर साड़ते नहीं है, ठीक है, इसमें ये तो दो तारे लगी होती हैं, ठंड की वजह से तार छिल भी नहीं रही थी। ओके, ये दो तारों को अलग कर लेते हैं। देखो अब सिंपल है, इसको मैं जोड़ देता हूँ इस तार के साथ, बल्कि ए और माइनस के साथ जोड़ दिया मैंने, इसको जोड़ दिया इसके साथ, ठीक है। अब सीन क्या है, पहले तो ये चला के दिखा रहा हूँ, ये बटन में जैसे ही ऑन करूँगा ये चल जाएगा, ठीक है। ओके, ये आवाज भी करके हल्का सा, तो थोड़ा सा दूर रख रहे हैं, ये देखो, ये देखो, ये चल पड़ा और ये काफ़ी सेफली होता है। इसके बाद इस बैटरी का काम नहीं है, हम इसको उतार भी सकते हैं, ये देखो ये कलर छोड़ रहा है, ठीक है, इसको मैं अलग कर देता हूँ। देखो ये बैटरी हटा दी, अब इसका कोई काम नहीं है, चाहे तार मैं पूरी की पूरी बाहर निकाल दूँ। और स्मोक देखो, फोटो सेशन अच्छा हो सकता है ना, ऐसे वाला सिस्टम हो। ऊप्स ओ, निशान पड़ गया, कपड़े ख़राब भी हो जाते हैं इसके साथ, ओए, पर ये अच्छा है काफ़ी, इसकी टाइमिंग बहुत अच्छी है, ये सेफली है। बल्कि ये गन मिलती है आपको, गन जो मिलती है 200-250 रुपये की मिल जाती है, उस गन में ये लगता है फिर ये चलता है, जैसे ये सेफली है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम चलाएंगे दूसरे वाला, ये छोड़ता है स्पार्कल, जैसे अनार चलता है ऐसे, ठीक है। तो अब दिन में पता नहीं दिखेगा या नहीं दिखेगा, तो सेम इसके साथ हम करेंगे, सेम इसमें वायर मिलती है आपको, ठीक है। अब इसकी टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। एक्चुअल में जो गन होती है ना, ये गन के अंदर लग जाता है और ये वहाँ दो पॉइंट दिए होते हैं, ये दो पॉइंट उसमें लग जाते हैं, ठीक है। फिर उसमें बटन होता है, जैसे ही आप बटन दबाते हो तब ये चल पड़ता है। मैंने बटन ऑन किया, बंद किया, पता नहीं नहीं किया, बंद किया नहीं किया ना, आई थिंक अब कन्फ्यूजिंग है दोबारती, मैंने इसको ऑन किया, पता नहीं बंद किया है, चलो देखते हैं। तो मैंने इसको ऐसे, इसको ऊपर वाली सिल्वर वाली होती है, यहाँ से तार अंदर जा रही है, याद रखना। अब ये मुझे पता नहीं है ये ऑन है कि ऑफ है, क्योंकि मैं बटन ऑन करके भूल गया था, चलो देखते हैं। खैर अपन सेफ वाली साइड में पहले ऐसे टच करके देखते हैं। हाँ बंद कर दिया मैंने, पहले ऑन ही था, ऑन करके छोड़ दिया था, ठीक है। अब ये मैंने इसको इसके साथ जोड़ दिया है, ठीक है, अब बटन ऑन करते हैं। वन, मैं पहली बार चला रहा हूँ ये, चला नहीं, धोखा हो गया, सरफराज धोखा दे गया, तार नहीं अच्छे से लगी नहीं लगता, या बैटरी ये ज़्यादा पावर मांगता हुआ, सरफराज धोखा दे गया। मुझे ये डायरेक्ट बैटरी के साथ ही चलाना पड़ेगा, क्योंकि बटन का मुझे पता नहीं, ये देखो डायरेक्ट बैटरी के साथ कैसे चलेगा, एक इसके साथ लगी, एक ये चल पड़ा, आवाज चंगी कर रहा है ये, आवाज नाकों में भी आ रही है, ये हाथ नहीं साड़ता, ये हाथ नहीं साड़ता। हाँ पर हाथ के पास करोगे सड़ गया, पर ऊपर नहीं जाता, ऊपर जाना नहीं, पर नहीं मार रहा है ये, टाइमिंग काफी अच्छी है, इसकी टाइमिंग काफ़ी अच्छी है। अब ये दोनों वन बाय वन मैंने आपको चला के दिखा दिया, वो पहले उस बटन के साथ इसलिए चला, देखो ये अनार की तरह है पूरा, ऐसे ना पूरा अनार की तरह है, बल्कि ये सेफली होते हैं, बहुत सेफली होते हैं। चलो अब इन दोनों को ज्वाइंट करके चलाते हैं, दोनों एक साथ चलेंगे और कैसे लगते हैं देखते हैं। ये जो फ्लेम मारता है उसमें आग होती है पर नुकसान नहीं पहुँचाती, ऊपर अगर पास में हाथ लगाओगे तो हाथ सड़ जाएगा। ये मेरा इधर ये ख़राब हो गया, अब कौन रिकवर करेगा, लाइक कर दो इसी को, ठीक है। चलो
अब हमें इन दोनों को आपस में ज्वाइंट कर लेते हैं। अब ज्वाइंट करके दोनों एक साथ चला के देखते हैं तो क्या रिएक्शन क्या लेता है। इसको निकालो, ठीक है, ये हो गया अलग। अब ये होली वाला कलर वाला, इसको भी अलग कर लो। ये बहुत ज़्यादा ठंड में तारे पूरी वो हो रखी हैं। अब इनको दूर दूर करने के लिए मैं इन दोनों तारों को अलग अलग कर रहा हूँ, इनको भी अलग अलग कर रहा हूँ, ठीक है। ओके हो जा अलग, ओके अरे हो जा, ओके ये तारे हो गए अलग। अब इन इस एक एक इसकी तार एक इसकी तार मैंने जोड़ दी है, ये देखो इसको एकदम अच्छे से जोड़ दिया, ठीक है ये जोड़ दिया। और इनको गैप दे दिया अपने, काफ़ी गैप दे दिया, ये मैं हाथ में नहीं पकड़ूंगा, अब मैं दूर रहूँगा, ठीक है। अपना मैकेनिज्म, ओके ये देखो ये तार आगे से काली है, इसके ऊपर वो लगा हुआ ना, इसलिए ये अच्छे से साथ संपर्क नहीं कर पाई, पर कोई बात नहीं। अब आप इसको तार को साफ कर लेते हैं, ठीक है, काफ़ी लंबी वाली तार को है पूरा साफ कर लेते हैं अच्छे से। ओके ये पूरी साफ़ हो गई है, अब हम दूर से चला पाएंगे। अच्छा आज चली क्यों नहीं, मुझे अब पता चला। ये इसकी तार, ठीक है। अब मुझे फिर नहीं पता स्विच ऑन है कि ऑफ है, कन्फ्यूजिंग है, कैसे ऑन ऑफ लिखा नहीं है, इसके बटन के ऊपर भी नहीं है ऑन ऑफ। अब मुझे नहीं पता ये ऑन है कि ऑफ है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। पहले मैं एक तार को जोड़ देता हूँ, पहले इसको बैटरी के साथ जोड़ देता हूँ, ये अगर ये जुड़ती ही चलेगी तब भी ठीक है, नहीं चली तब भी ठीक है, ठीक है चला तो देंगे ही। चलो अब सबसे पहले इसको इसके साथ जोड़ देते हैं। जो गन लेते हैं ना, जो एक्चुअल में गन लेते हैं, मुझे लगता नहीं वो गन लेने की जरूरत है। मैं पहले देखता हूँ इसको जोड़ के कि ये इसके साथ सही है। वो चल गई, एक तो चल गया, वो तो चल गया। इसको चलाना है, रुको। अरे यार बहुत लेट हो जाएगा, दोनों एक साथ चलाने हो जाएंगे क्या। देखो ओए टाइमिंग देखो दोनों की, ओए लेट हो गया, मैं पीछे देखो धुंध धुंध कर दी सारी, पर इसकी टाइमिंग देखो कितनी सही है, ये सही है ना। इसको आप आराम से उठा के इससे ही कर सकते हो, देखो इसका शावर भी ज़्यादा नहीं होता, लंबा नहीं होता, छोटा होता है, और काफ़ी सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। फिनिश देखो, इसमें फ्लेम होती है, ये आग वाली होती है, ये ऑटोमेटिक बुझ जाती है, पर ध्यान रखना आपने इससे हाथ नहीं जलाने, ठीक है। ज़्यादा अगर कपड़े के ऊपर कर दो तो आग लग भी जाएगी, तो थोड़ा सेफली ही चलाना है। होली वाला बस स्टार्टिंग में आग पकड़ता है, उसके बाद अगर आग जलती रहती है तो फूंक मार दो तो कलर आ जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा था, एक चीज़ और, इसके लिए करंट थोड़ा ज़्यादा लगता है, इसके लिए कम लगता है, ये जल्दी चल जाता है। इसमें मैंने देखा है कि ये लंबी लॉन्ग तार के लिए ये काफ़ी, इसके साथ इस बैटरी के साथ मैंने काफ़ी बार टेस्ट किए हुए, ये वाले काफ़ी चला लिए हैं, तो इसकी बैटरी भी कम हो रही है, तो शायद इसलिए भी नहीं चल रहा। जितनी तार लंबी होती जाएगी उसमें दिक्कत भी आती जाएगी, तो मतलब कि डायरेक्ट आप एक तार इसको लगा के एक तार आप इसके साथ जैसे जैसे कनेक्ट करोगे तो ये चल जाएगा, ठीक है। आप कमेंट करके बताना इन दोनों से कौन सा अच्छा लगा, बाकी ये वाली टेस्टिंग कैसी लगी कमेंट करके बताना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, हैप्पी न्यू ईयर सबको, न्यू ईयर की 2024 की जो मेरी पहली वीडियो है, ठीक है। गीता जयंती में बिजी चल रहे थे, अभी मैं वैसे बहुत बिजी हूँ, तो उस वीडियो लेट आने के लिए उसके लिए सॉरी, वैसे आती रहेगी, टेंशन ना लो, अभी पतंगों की वीडियो आएगी, ठीक है। तो बाय, थैंक यू फॉर द वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना।